नमस्कार, हम आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और ये विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। श्री कृष्ण हमारे बहुत प्रिय देवता हैं हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में। आज हम बात करेंगे आपसे कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा के बारे में कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा कैसे की जाती है और इसका क्या महत्व है, इसे कब किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे, ऐसा हमें विवरण मिलता है ब्रह्म पुराण से। और श्री कृष्ण जब उत्पन्न हुए थे उस समय कलयुग चल रहा था, दिन और रात कला मात्र भी रोहिणी ना हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को मनुष्य नहीं करता तो वह क्रूर राक्षस हो जाता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि तिथि रोहिणी नक्षत्र युक्त हो तो इसे हम जयंती नाम से संबोधित करते हैं। वहिन पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको भी हम जयंती नाम से ही संबोधित करते हैं। तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जब भी हमें ऐसी तिथि मिले तभी हम व्रत करें, उपवास को करें। अब हम जानते हैं कि इस व्रत को करने की विधि क्या होती है। तो इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद से कहा, हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताएं और इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने की विधि क्या है। तो नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास के कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण की प्रतिमा को वस्त्र से वेष्टित कर विधि पूर्वक उनका अर्चन वंदन करें। गुरुजी छोटी पीपल और सोंठ को कृष्ण के आगे अलग अलग करके रखें और इसके बाद भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करें। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स और कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोपुत्रों का भी इसी के साथ पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति जब हो जाए, 8 वर्ष आपके व्रत के पूरे हो जाए, तो इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं और इसके पश्चात मत्स्य कुर्म इस मंत्र द्वारा अर्चनादि भी करें। आचार्य ब्रह्म और 8 ऋजुत्वों को वैदिक रीति से वरण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करें और इसकी पूर्ण विधि को हम जानते हैं। तो उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और इसके बाद सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख में बैठ जाए। इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत अहम करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों को जल से स्नान कर देवकी जी के सूतिका गृह नियत करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण का स्तनपान कराती हुई देवकी हो या लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों,
अथवा ऐसे भाव में हमें मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी, इन सब का नाम क्रमशः हमको निर्दिष्ट करना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। प्रण में देव जननी त्वया जातस्तु वामन वसु देवात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सुपुत्राग्न प्रदत्तम मे गृहाणे मम नमोस्तुते। अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रात जागरण करें। तो इस प्रकार हमने समझा कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका पूरा विधि विधान क्या है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है जो कि 6 और 7, कहीं पर 6 तारीख को और कहीं पर 7 तारीख को मनाया जा रहा है। जैसे कि आज 7 तारीख है तो आज मथुरा में मनाया जा रहा है। इसी प्रकार जो रोहिणी नक्षत्र जयंती को मानते हैं वो 6 को और जो उदया तिथि को लेते हैं वो 7 को इस पर्व को मना रहे हैं। तो हम सभी मिलके बोलते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय।